हेलो फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब एन एक्टिविटी दैट मेड यू फील टायर्ड और अंदर के क्यूज हैं व्हेन एंड वेयर इट टुक प्लेस, व्हाई डिड यू टेक पार्ट इन इट, व्हाट वाज द एक्टिविटी एंड व्हाई डिड इट मेक यू फील टायर्ड। तो पहले इस क्यू कार्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। ऐसी कोई एक्टिविटी यानी कोई प्रवृत्ति को डिस्क्राइब कीजिए जिसकी वजह से आप थक गए। ये कहाँ और कब हुई थी, आपने इसमें क्यों पार्ट लिया था, ये एक्टिविटी क्या थी। सो यू विल हैव टू एक्सप्लेन दैट एक्टिविटी अ लिटिल बिट एंड व्हाई डिड इट मेक यू फील टायर्ड, आप क्यों थक गए। अब ज्यादातर लोग जब उनको ये क्यू कार्ड पूछा जाएगा, दे विल स्पीक अबाउट आइदर डूइंग एन एक्टिविटी ऑफ एन एक्सरसाइज और गोइंग ऑन अ ट्रैकिंग। ट्राई टू अवॉइड दिस बिकॉज दिस इज वेरी कॉमन एंड इट इज द फर्स्ट थिंग दैट विल कम टू द माइंड ऑफ मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स। Today we are going to discuss the idea of making a train journey which was very bumpy and therefore it was tiring. तो चलिए अब क्यू कार्ड को समझ लेते हैं। I found myself feeling tired after a particularly exhausting activity which was a long train journey that I took on a burning summer day. So हम बता रहे हैं कि एक particularly थक जाने वाली activity जो मैंने की वो थी एक लंबी ट्रेन की मुसाफरी और वो एक समर के दिन पे था जो बहुत ही गर्मी वाला दिन था। आई टुक दिस जर्नी फॉर वर्क रिलेटेड रीजंस बिकॉज आई हैड टू अटेंड एन इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस इन अनदर सिटी। आई ट्रैवल्ड अ मंथ अगो फ्रॉम माई होम टाउन टू द सिटी ऑफ मुंबई। सो हम यहाँ पे और डिटेल्स दे रहे हैं कि हम क्यों गए थे, क्योंकि हमें वहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी थी दूसरे कोई शहर में और ये एक मंथ पहले हुआ था। मैं अपने होम टाउन से मुंबई गया था। सो आपका होम टाउन कोई भी हो सकता है, आप यहाँ पे आपके होम टाउन का नाम भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लिव इन पंजाब यू कैन से दैट आई वेंट फ्रॉम अमृतसर टू मुंबई। इफ यू लिव इन गुजरात यू कैन से फ्रॉम दैट आई वेंट फ्रॉम अहमदाबाद और वडोदरा टू मुंबई। चलिए आगे बढ़ते हैं। At first, I was going to attend the conference online because I was traveling alone and I did not want to travel alone. तो पहले मैं ये conference online attend करने वाला था क्योंकि मुझे अकेले travel नहीं करना था। It seemed rather mundane and boring to me without any company. तो मुझे लगा कि अगर traveling में मेरे साथ कोई company नहीं होगी तो मैं बहुत ही bore हो जाऊंगा। Later on, I thought, let me take a chance and so I went ahead and booked my tickets. फिर मुझे लगा चांस ले लेता हूँ, एक्सपीरियंस करता हूँ, तो मैंने अपनी टिकट ट्रेन की बुक कर दी। However, it quickly turned into a laborious and back-breaking experience due to a series of unexpected experiences. लेकिन मेरा जो ये अनुभव था वो मजदूरी करने जैसा, laborious और कमर टूट जाए ऐसा था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा अनपेक्षित चीज़ें हुई और ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जो मैंने सोचे भी नहीं थे मेरे साथ होंगे। सो वी हैव नाउ स्टार्टेड डिस्क्राइबिंग द tiring activity. The primary reason for my exhaustion was the combination of extended tiring hours spent on the train. So, mera jo reason tha, primary reason ki main kyun thak gaya, wo tiring hours jo the train mein, jo thakan main mehsoos kar raha tha, because wo extend ho gaye mere, jo musafari karne ka jo samay tha wo delay ho gaya. There was some technical problem in the train which caused frequent stops and starts. So, फ्रीक्वेंट स्टॉप और स्टार्ट ट्रेन हो रही थी, कभी कभी रुक रही थी, फिर स्टार्ट हो रही थी और ये सब बार बार हो रहा था। आफ्टर दैट द एयर कंडीशनर स्टॉप्ड वर्किंग एंड बिकॉज ऑफ दैट माई एनर्जी लेवल स्टार्टेड ड्रेनिंग विद एवरी पासिंग मोमेंट। और उसके बाद एयर कंडीशनर जो था ट्रेन का उसने काम करना बंद कर दिया, उस वजह से मेरी जो ताकत थी, एनर्जी लेवल्स थे, वो हर मोमेंट ड्रेन हो रहे थे, मुझे बहुत ही थकान महसूस होने लगी। टू ऐड टू द प्रॉब्लम आई हैड फॉरगॉटन माई पावर बैंक एट होम and the people were arguing for a charging point. So, मैं अपनी power bank घर भूल गया था, ये मेरे problem में एक बढ़ावा हो गया, because maybe I wanted to look in the phone and my battery was getting exhausted. लेकिन जो दूसरे लोग train में थे, वो argument कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, क्योंकि सबको charging point चाहिए था. Some restless and irritable children started crying and it made the environment of the bogie noisy and chaotic. So, कुछ बच्चे जो बहुत ही irritate हो गए थे, restless हो गए थे, चंचल थे, वो रोने लग गए और इसकी वजह से जो ट्रेन की बोगी का वातावरण था वो बहुत ही हो हल्ले वाला, chaotic हो गया। The heat outside worsened the situation. So बाहर की जो गर्मी थी उसकी वजह से सिचुएशन और खराब हो गई। With no functioning air conditioning for most of the journey, the inside of the train turned into an oven. So no functioning या non-functioning जो air conditioning का था उसकी वजह से ट्रेन जैसे ओवन बन गया था।
I, along with my fellow travelers, were left sweating in the stifling heat, making the journey not only physically tiring but mentally draining as well. So, मैं और बाकी के जो मेरे fellow travelers थे उनको बहुत ही पसीने छूट रहे थे, बहुत गर्मी थी इस वजह से, और हम सिर्फ ना ही physically tired हो गए, mentally भी drain होने लगे. By the time we reached our destination, the combination of the boring, bumpy ride and the oppressive heat had taken a toll on me, leaving me utterly exhausted, hungry and grumpy. So, by the time हम हमारी मंजिल तक पहुँचे, तब तक मैं bore हो चुका था, जो ride थी वो बहुत ही bumpy थी and जो heat थी वो सब मेरे पे toll ले गया, यानी taken a toll on me means सब ने मेरे पे बहुत बुरा असर किया. और इसकी वजह से मैं बहुत थक गया, बहुत भूखा हो गया और ग्रंपी आने बहुत ही इरिटेबल हो गया. सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये यूनिक आइडिया पसंद आया है. इफ यू विश टू परचेज द बुक ऑफ आइडियाज विच हैज ऑल द न्यू क्यू कार्ड्स एंड ऑल्सो द फॉलो अप क्वेश्चंस एंड इंट्रो क्वेश्चंस, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन 7433016809. इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट यू कैन गेट अपडेटेड अबाउट द न्यू वीडियोज and also follow the Instagram page with the name Best IELTS and English Academy. Thank you and all the best.